अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मुनव्वर फारूकी ठग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। किस चीज के लिए लड़ रहा है मनारा, मेरी भी लेना बोलना बोल के गन्ना लगा। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे को भी चाहिए मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए बोले। जैसे तू यहाँ मनारा के लिए बोल रहा है, उसने जो किया है खा रहा हूँ कसम खा रहा हूँ। वो जब गया ना, मैं अब ठीक है, अब मैं इसको रोकता हूँ। आपने उसको बोला बैठना है, अब आपने बोला बैठना है, पास आ रहा बोला बैठ जा भाई, ये मेरा तरीका। हाँ, तो आपने ने ऐसे बच्चे लोग बोला बैठना इधर, तो मैं बोला यू आर हैंडलिंग। अंदर बिग बॉस का जो सेट है, रात का टाइम था, दो बजे का। उस टाइम सेट पे क्रू में दो लोग, एक जो कैमरे एडजस्ट कर रहा था और एक जो उस मॉनिटर पे देख रहा था। तो सुनील देखता है कि विक्रम एंगल आ रहा है, कैमरा एंगल, वो वहां पे कैमरा ठीक कर रहा है, ऐसे ठीक कर रहा है, लेकिन पीछे कोई काली सी परछाई खड़ी है। और अचानक से क्या हो रहा है कि जितने कैमराज हैं सब कैमराज 2:22 बजते ही बंद। अगली रात फिर से 2:22 पे सारे कैमराज बंद हो जाते हैं। विक्रम जिसके पीछे वो आ रही औरत, अचानक से उसे लगता है कंधे पे उसके किसी ने हाथ रखा है। वो मुड़ता है, वहां पे कोई भी नहीं, उसे लगा शायद लग रहा। फिर वो वापस से कैमरा अपना ठीक करने लग जाता है। तो कैमरे की जो लेंस का रिफ्लेक्शन होता है उसमें आपको दिख रहा है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, और जो एक औरत है काले कपड़े पहने, उसने बिखरे बाल है कि हट गई, मतलब कि क्या हो क्या रहा है। इतने सुनील पहुंच जाता है विक्रम के पास अंदर बिग बॉस का जो सेट है, तो वहां पे उसे कहीं किसी रूम के कोने में एक औरत की आवाज आती है, रोने की आवाज। एक औरत रो रही बेड, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। और जब वो उस रूम में जाता है, एक घर के कोने में सर नीचे करके एक औरत बैठी हुई है, वो रो रही है। एकदम से वो जैसे ही उसके पास जाके वो पूछ रहा है उसे, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गई सेट के अंदर। तो रोते रोते एकदम से अपना सर ऊपर करती है और सुनील भागता है वहां से। तो 22 पे ऐसे कितने लोग हैं जो बिग बॉस क्रू के, कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है, फ्लैशेस लग रहे हैं उन्हें। मेरे लिए मेरे लोग ऊपर हैं, क्लियर, मैं ऑलरेडी आस्क्ड बिग बॉस फॉर इट, सो डोंट यू आस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई रियली फील यू शुड लीव, यू शुड अनुराग, यू शुड लीव। चार करोड़ देने पड़ जाएंगे ना फिर, प्लीज इट्स अ वॉलंटरी एग्जिट प्लीज बिग बॉस, इससे ज्यादा तो अब कुछ नहीं है, प्लीज बिग बॉस ओपन दिस डोर। बाबू भैया बोले अब ज्यादा हो गया, अरे भैया उड़ा लो, बाबू भैया बोले ये ज्यादा हो गया। Not more than this. पागल है क्या? इस यहाँ पर छोड़ के चली जाएगी ना, खान जाती जिंदगी भर रेट करेगी। मैं तो अभी भी खड़ा हूँ ना, 1-3 घंटे पहले मेरे को पूरा भाषण मिला यहाँ पर, बट फिर भी खड़ा हूँ ना, भाग नहीं रहा हूँ। बिग बॉस के साथ वॉलंटरी एग्जिट प्लीज कॉल दीजिए, आई एम रियली इंटरेस्टेड। वेरी वेरी सेफ, उसको पता है कि वो बिना लड़े भी आगे जा सकता है, क्योंकि उसको पता है उसकी बाहर भाई, उसकी जो जनता है ना भाई, आपको तो पता ही है, वो पागल है इसकी कल्ट। हाँ मतलब भाई गुना और भाई वाली जनता, तो उसको इतना अच्छी साइड दिखानी है। सीरियसली क्या करते हो क्या भाई? मैं वर्क करते हैं, पर मैं अपने आप पर वर्क करते हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं सुबह में उठता है, मैं हेड मसाज मेरे लिए करता है, मैं जर्नलिंग करता है, मैं देखता है कि मेरा सब स्टार्स चांद और चांद और चक्रा सीधा लाइन में है, मैं सब करता है। फिर मैं टैरो कार्ड निकालता है, पढ़ता है, फिर मैं वो क्या लिखते हैं न्यूज़पेपर में आता है, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप पढ़ता है। मैं जिम जाता है, जिम जाता है, जिम जाता है। हां मैं जनवरी में 74 किलोस था, अभी मैं 51 किलो। अच्छा बात है या बहुत अच्छा, मुझे गोल 47 होने का है। मैं एक बहुत पतला कैरेक्टर का रोल खेल रहा है। किधर खेल रहा है? जिंदगी में, जिंदगी में, जिंदगी में। झगड़े फसाद लोग को नहीं देख रहे, हाँ। उसके लिए 4-5 लोग अपन ने रखे झगड़ा करने के लिए। तुमने रखे ना मुझे, अपन ने मतलब तुम, अपन ने मतलब, अपन ने मतलब बिग बॉस ने रखे हुए उसके लिए है लोग। तुम्हारा एलिमेंट क्या है वो नहीं खोना, तो आप फन कैरेक्टर हो, वही रहो, रोते धोते बैठे, नहीं अच्छा लगता। नॉर्मल सी जिम कैसी लग रही है?
इरशाद बोलूं मैं एक शायरी बोलूं। अरे वाह क्या बात है इरशाद। दिल्ली नादा तुझे हुआ क्या है, दिल्ली नादा तुझे हुआ क्या है, इस दर्द की दवा क्या है, इस दर्द की दवा क्या है, मेरे लिए मुनव्वर की जीत दवा है। किसका दही है ये, किसका दही है? अपना ले लो तो। एक मिनट दिखाना दिखाना। अरे वो है तो बॉटम में है ब्रो, खराब हो गया वो। हाँ सॉरी। चिंटू में तेरे को इतना जानने लग गया ना, जैसे तूने बोला ना खराब हो गया, मैं कंफर्म हो गया कि सही है। देखो मना तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन ट्रॉफी मैं ही लेके आऊंगा, ठीक है? आप साथ में खड़े हो सकते हो, खुद दोनों ऐसे खड़े हो सकते हैं। सलमान भाई हाथ पकड़ो। वो देरी क्या, जिस दिन मैं आपके साथ ना खड़ी हूँ वो मजा नहीं आएगा मुझे। मुनावर आप भी देखा करो, जब ऐसा होता है ना तो एक जो अलग पैटर्न के लोग हैं वहाँ जाके उनसे चर्चों में आते हैं। तो वो तो है, वो दुनिया का दस्तूर है भाई, तवा खाली दिखेगा फिर भी रोटी सेकना है। अभी फिर देखो यू आर ऑल्सो, आप अपनी फिकर कर लो इस वक्त, उनको करना है, उनकी कल से ड्यूटी है, कल से ड्यूटी थी। बोल दो ना वो तुम्हारा बाथरूम है। जीरो पहले राइडर बोला होगा फिर मुनावर बोला होगा। लेट मी करेक्ट यू, मेरे सामने ऐसे झूठे नरेशन मत दीजिए। अच्छा, बिग बॉस बोला तो बोल दिया होगा आपने, मुनव्वर बोला और फिर राइडर बोला। अच्छा मैंने बोला कि मैं राइडर और मुनव्वर दोनों को। हाँ तो ऐसे करेक्ट नंबर ऑर्डर वाइज करेक्ट रखिए। माय मिस्टेक। तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है कि आप अगर इन दोनों को अपना टॉप फ्रेंड मानती है तो आपको क्या लगता है कि इन द लॉन्ग रन किस पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो? तो मैंने क्लियरली बोला मैं मुनव्वर पे ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरा दूसरा दोस्त है वो मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, धोखा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कि वो अभी से ही कर रहा है, दो दिन में दो बार, तीन दिन में। आई हैव टोल्ड हिम 100 times यू नीड टू चेंज योर कंपनी। और किसका किसका दोस्त है? मी और खानजादी। क्या ये दोस्त है उसके? आग और बर्फ से एक साथ दोस्ती की है ना उसने। ओके वैसे मुझे मनारा कुछ खास पसंद नहीं, जो मुनारा वाला हैशटैग है मतलब पहले पसंद थी जब मैं खुद मुनारा देखना चाहती थी और भी ज्यादा, बट उसकी चंटपना देखा ना, वो जो चुगलियां करती है और मुनावर हमेशा उसके लिए खड़े थे, तो वो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। और मैं हमेशा सोचती थी कि हाईलाइट क्यों नहीं किया इन्होंने कभी, हाईलाइट इस चीजों के मुद्दे क्यों नहीं किए। नहीं कि वो होता था नहीं कि एक सेंटेंस दिखाते थे बिग बॉस की ये किसने कहा होगा एंड देन फिर मुद्दे बनते थे, वो चीजें क्यों नहीं हो रही है? एंड मुनावर भी इतनी साइड क्यों लेता है, इतनी भी नहीं लेनी चाहिए ना मुझे ऐसा लगता है। एंड अभी बोली, अभी इसके मुंह पे बोली कि वो कभी भी साइड चेंज कर सकता है, वो उसके पास जाके कुछ और बोल सकती है। बिकॉज मैंने एक देखा था खानजादी के साथ, वो बैठी थी बोली थी वाइफ तो तुझे मेरे साथ ही आती है, चेहरा तो तेरा मेरे सामने ही खिलता है, स्माइल तो मेरे सामने ही आती है, ऑल दोस थिंग ओके, बट एक्चुअली दूसरे जगह पे जाइए, अंकिता नहीं थे ऐश्वर्या वगैरह वो लोग बैठे थे, रिंकू जी शायद, और उनके सामने जाके बोली कि वो ही आती है बात करने, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो करके। एंड आई एम थिंकिंग कि अभी उसको हक कर रही थी, इतनी सारी चीजें कर रही थी, ये है क्या इंसान, ये ऐसे क्यों करती है? नहीं, एंड अगर वो सच्ची दोस्त होती ना लोगों ने उसको पसंद किया था बहुत ज्यादा, उल्टा उसके बहुत जल्दी लोगों ने उसको जल्दी एक्सेप्ट किया था और उसे खुद ही अपने लवर्स को हेटर्स में कन्वर्ट किया। अगर आपको ये सही लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मुनावर के फैन है तो लाइक करना, और भी मुनावर के चीज से रिलेटेड या बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो शेयर करना, हो सके तो नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है वो भी कर देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा, बाय।